साक्षी चलो अपना नाश्ता खत्म करो, आपको और चाहिए? पेट भर गया। चुगन भैया के यहाँ समोसे बने थे, मैंने देख लो। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोस लेती हूँ। साक्षी रेडी हुई है नहीं? जरा देखो, बस आने वाले होंगे। साक्षी, अरे खुर्चन, कोई आया था क्या? हाँ, प्रतिभा भाभी आई थी आज खुर्जा से। अच्छा, हाँ, कैसी हैं वो? उनके घर वाले ठीक हैं? हाँ, बस बंटी थोड़ा बीमार है। अरे बीमार तो होना ही है उसने, हर वक्त मस्ती करता रहता है, बारिश में खेलता रहता है, वो बच्चा भी ना। बच्चा है तो देख लो भाई, हम कह रहे हैं क्या दिन आ गए हैं। लालू खुद तो जेल गया और अपनी बीवी को सीएम बना गया। देखा, और एक आप हैं कि ये दुकान तक मेरे नाम नहीं कर सकते। अरे बंद करो इस चूचू के मुरब्बे को। अरे सारी कमाई तो तेरे नाम कर देता हूँ, अब क्या दुकान अपने नाम करवा के क्या चाटेगी इसको, बेवकूफ औरत। नमस्ते चिकन भैया। अरे आओ जीतू, कैसे हो? नमस्ते भाभी जी। हेलो जीतू। लो इनको देख लो, जिस उम्र में बुढ़ापा आना चाहिए इन पे अंग्रेजी आ रही है। अगर तुम्हारी जवानी का फटाका दिवाली के पहले ही फूट गया हो तो मुझे बुढ़ी मत कहो। मैं तो टचवुड अभी जवान हूँ जी। मैं एक फोन कर लूँ? हाँ हाँ, तुम फोन करो, इसका तो चलता ही रहेगा। हेलो मानसी। जीतू, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम? मानसी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुना है तुम अगले हफ्ते यहाँ कानपुर आ रही हो। पर तुम्हें कैसे पता? मानसी, मुझे तुमसे मिलना है, वजह मैं यहाँ नहीं बता सकता, पर ये जरूरी है। मैं 2 तारीख को तुम्हारा इंतजार करूंगा चुगन भैया के होटल पर, आना जरूर। मानसी, पहला नशा पहला खुमार भुलाए नहीं भूलता। जरा सोच के बोला करो तुम, वो एक शरीफ लड़का है। शरीफ है तो फिर अपनी पुरानी प्रेमिका से बात क्यों कर रहा था, सुना नहीं आपने? अगर बात कर भी ली तो क्या गलत है, वो पहले दोस्त थे फिर प्रेमी बने और 5 साल से वो एक दूसरे को मिले भी नहीं। पर अब तो मिल रहे हैं ना, और इस बारे में इनके घर वालों को तो बताना ही पड़ेगा।
मेडिकल चल रहने दे, बहुत ज्यादा है। अरे ले लेना, पैसे नहीं है तो मैं दे देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारी नौकरी नहीं है। अरे भैया पैसे ले लो। पलक से चुरा के तारों की चादर में तुझको ओढ़ाऊं, फलक से चुरा के तारों की चादर में तुझको ओढ़ाऊं, जमीन पर ख्वाबों की तेरे लिए मैं दुनिया बनाऊं, कि अब कोई कहे कुछ भी हमें ना डरना कोई फिकर, तेरी आंखों में अब तो बना लिया है हमने अपना घर। निकल चल साथ मेरे दुनिया को भूल, तो प्रेम डगर पर सवर जाएगी अपनी जिंदगी, तो साथ हो अगर। अरे वहां क्यों बैठी हो, कोई आ रहा है तुमसे मिलने? आ नहीं रहा, बुलाया है। अरे किसने बुलाया हमारी मानसी को? क्या हुआ मानसी? मुझे तुमसे कुछ कहना था। अरे आ गए आप, हाथ मुंह धो लीजिए, थक गए होंगे ना, मैं खाना परोस देती हूँ। अरे हुआ क्या है? हुआ क्या तुम्हें? अरे आरती, आरती क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मैं इतनी बुरी हूं कि तुम अभी मुझे बर्दाश्त भी नहीं कर सकते? सब लोग बातें कर रहे हैं, पहले बच्चे के लिए ताना देते थे और अब तुम मानसी से क्यों मिलना चाहते हो? देखो आरती, क्यों मिलना चाहता हूं ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, पर मेरे पे भरोसा करो, मैं सही हूँ। कैसे करूँ भरोसा? मोहल्ले वालों पर कर सकती हो, मेरे पे नहीं। क्या तुम जाना चाहती हो? क्योंकि अगर नहीं गए तो जिंदगी भर ये सोचती रहूंगी कि उसने क्यों बुलाया था, लेकिन अगर तुम ना कहोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी तो दुख नहीं होगा तुम्हें? होगा तो, पर इस बात का कि शादी के 5 साल बाद भी आपका भरोसा ना पा सकी। अब भी प्यार करती हो उससे? नहीं है यहाँ, और हमने आपसे कहा है ना कि आप उससे ना ही मिले तो बेहतर है। पर माँ जी, मैं मानसी से प्यार करता हूँ। नौकरी मिली आपको? मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। देखो बेटा, आप हमें पसंद हो, लेकिन हम अपनी बेटी का ब्याह ऐसे किसी आदमी के साथ कैसे कर दें जिसके खुद के कल का कोई ठिकाना नहीं? माँ जी थोड़ा इंतजार। बेटा अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, लखनऊ से बहुत अच्छा रिश्ता आया है और हमने हाँ भी कर दी है। आप मानसी को भूल जाइए। नमस्ते। सुनो नाश्ता कर लो। नहीं मन नहीं है, मैं चलता हूँ। आज 2 तारीख है ना? हाँ आज 2 तारीख है।
नमस्ते चिकन भैया। देखा मौसी, देखा मैंने कहा था ना वो आएगा, देखो कैसे आ गया। हाँ बेचारी आरती। बस भी करो तुम, कभी किसी के बारे में पूरा सच नहीं मालूम होना तो मत बोला करो। हाँ हाँ सच तो बस आप ही को पता है, मैं तो जैसे कल ही पैदा हुई हूँ। चलो बहन बहुत देर हो गई, अब जा रहे। घबराओ मत यार, तुम्हें पीटने के लिए नहीं आया हूँ। मानसी ने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए उसे छोड़ने के लिए चला आया। और वैसे मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, और सच कहूँ तो थोड़ा डर भी लगा था जब इसने कहा कि ये भी तुमसे मिलना चाहती है। तो फिर आप माने कैसे? क्योंकि तुमने जब कॉल किया था, मैंने मानसी से पूछा कि क्या वो आज भी तुमसे प्यार करती है, तो उसने कहा नहीं, वो मुझसे प्यार करती है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब तुम दोनों अपनी बात करना, शाम को मैं तुम्हें यही लेने आऊँगा। पर हाँ, हो सके तो कहीं और जाके बात करना, यहाँ भीड़ बहुत है। मानसी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किस काम का? आरती मेरी पत्नी, हम लोग खुश नहीं हैं। वो ना तो मुझे कुछ कहती है ना कुछ सुनती है, और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसे कैसे समझाऊं। इसलिए मैंने तुम्हें आज बुलाया, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे और हम बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, और आज मुझे अपनी उस दोस्त की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे और आरती को करीब लाने में मदद करोगी? मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन फिर भी मानसी क्या तुम मेरी मदद करोगी? करूंगी।